जब देश की दुश्मनों को लगाना हो ठिकाने, जब देश पर आ पड़ी हो कोई विपदा, या देश के सामने खड़ा हो कोई राक्षसी वायरस, देश की सेना इन्हें मात देने के लिए लगातार तैयार रहती है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों द्वारा कोविड प्रबंधन में सहायता करने की तैयारियों की समीक्षा की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बिपिन रावत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही तैयारियों और ऑपरेशन की जानकारी पीएम मोदी को दी। सीरियस जनरल बिपिन रावत ने पीएम मोदी को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों में रिटायर्ड या प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट कोविड सेंटरों में काम करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। दूसरे चिकित्सा अधिकारी जो पहले रिटायर हुए थे, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वो अपनी सेवाएं चिकित्सा आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्श के लिए उपलब्ध कराएं। बिपिन रावत ने यह भी बताया है कि सेना के सभी संसाधनों में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर कोविड अस्पतालों को दिए जाएंगे। पीएम मोदी को उन्होंने ये भी बताया कि कमांड मुख्यालय, कोर मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय और नौसेना और वायुसेना के मुख्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति पर सभी चिकित्सा अधिकारी अस्पताल में कार्यरत होंगे। सीरियस ने पीएम को जानकारी दी है कि अस्पताल में डॉक्टरों की सहायता के लिए नर्सिंग कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्त किया जा रहा है। पीएम को यह भी जानकारी दी गई कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के साथ उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर कोविड अस्पतालों के लिए जारी किए जा रहे हैं। आगे ये भी बताया है कि वो बड़ी संख्या में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और जहां संभव है वहां मिलिट्री मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना द्वारा भारत और विदेशों में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए किए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की। पीएम मोदी ने सीरियस के साथ इस बात पर भी चर्चा की कि केंद्रीय और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड और विभिन्न मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों को दूरदराज के क्षेत्र में अधिकतम संभव तक पहुंच बढ़ाने के लिए दिग्गजों की सेवाओं के समन्वय किया जाए। एक तरफ से देखा जाए तो सेना पूरी तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मुस्तैद है और पीएम मोदी भी अपनी देश की सेना पर पूरा यकीन रखे हुए हैं और वो लगातार इस पूरे सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी हाल ही के दिनों में लगातार सेनाओं के साथ बैठक करके समीक्षा की है कि सेना किस तरीके से इस महामारी से देश की आम जनता के लिए राहत बचाव का काम कर सकती है। ऐसे में सेना की तरफ से ये बड़े फैसले किए जा रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके डॉक्टरों को वापस उनके निजी कोविड सेंटरों में तैनात किए जाने की अपील की जा रही है, जिससे डॉक्टर और मेडिकल सुझाव और परामर्श की किसी तरीके से देश के भीतर कमी ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।